अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। गणपति का बहुत सारा तांत्रिक विधान है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि गणपति प्रथम पूज्य होने के बावजूद अघोर में बहुत पूज्य हैं। उसका यह कारण है कि गणपति का जो प्रादुर्भाव है वो उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है? वो अशुद्ध है। तो उच्चिष्ट गणपति साधना मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, उच्चिष्ट गणपति के कई विधान बताए हैं। उच्चिष्ट गणपति जो होते हैं इनका तांत्रिक में बहुत प्रयोग है और तांत्रिक में कई नाम से गणपति की पूजा होती है। ठीक है, जैसे तंत्र विधान में एक सरा गणपति, विरी गणपति, लक्ष्मी गणपति, शक्ति गणपति, हिरिम्बा, महागणपति, शक्ति गणपति, भोग लोला गणपति, हरिद्र गणपति, वक्रतुंड गणपति, उच्चिष्ट गणपति, मतलब 14 प्रकार के गणपति होते हैं जिनका, मतलब गणपति का स्वरूप होता है जिनका प्रयोग हम लोग तांत्रिक साधनाओं में करते हैं, जिससे कि हमें तांत्रिक सिद्धियां मिलती है और तांत्रिक लाभ मिलता है। तो जब हम लक्ष्मी गणपति की बात करते हैं तो ये लक्ष्मी के साथ गणपति हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो स्वरूप होता है ये थोड़ा अलग होता है। आप जब घर में लक्ष्मी और गणपति की स्थापना करते हैं तो लक्ष्मी के बाएं ओर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में गणपति रहते हैं, लेकिन जब लक्ष्मी गणपति की बात करते हैं, जो स्वरूप है लक्ष्मी गणपति, ये एक स्वरूप हो गया, इसमें माँ लक्ष्मी गणपति के बाएं ओर बैठ करके उनके गले पे हाथ, गाल पर हाथ रखती है। ठीक है, तो इसमें इसलिए ये थोड़ा सा अटपटा हो जाता है क्योंकि जो मंत्र है वो कहता है वामे रमा रमन कुशला, तो विष्णु के वाम में लक्ष्मी रहती है, तो यहां गणपति विष्णु के रूप में रहते हैं। ठीक है, जब आप इस मंत्र का ध्यान करेंगे तो गणपति को एक हाथ में पात्र, ठीक है, भोजन का पात्र लिए, दूसरे हाथ में शंख लिए, ठीक है, तीसरा हाथ जो है वो उनका अभय मुद्रा में होगा और जो उनका सूंड है, ठीक है, वो सूंड में एक स्वर्ण पात्र होगा। ठीक है, उनके त्रिनेत्र होंगे, गणपति का पूरा रंग सुनहला होगा, वो सुनहले वस्त्र पहने हुए हैं और नीले रंग के कमल पर विराजमान है। ऐसा हम लोगों को गणपति का एक स्वरूप ध्यान करना है। साथ में लक्ष्मी स्वर्ण के आभूषणों से लदी हुई, स्वर्ण के वस्त्र से वाम भाग में गणपति के बैठे हुई हैं और अपने दाहिने हाथ से गणपति को सहला रही हैं, मतलब उनके गाल पर उनका हाथ है। ठीक है, और अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में एक कमल पकड़ा हुआ है। जो ये रूप है गणपति का, ये दो बीजाक्षर से बना है, एक श्रीम बीजाक्षर और दूसरा गम बीजाक्षर, मतलब श्रीम मतलब लक्ष्मी का बीज और गम मतलब गणेश का बीज। ठीक है, इस मंत्र के साथ जो साधक हैं उनके लिए गुप्त यंत्र का निर्माण किया जा सकता है, जो अष्टदल का एक यंत्र होता है और उसके हरेक पंखुड़ी पे अलग अलग बीजाक्षर लिख करके उसके बाद उसकी सिद्धि होती है। बिना पूर्ण ज्ञान के और एक आम गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसको सिद्ध करना मुश्किल है। किसी को वो चाहिए होगा तो वो मुझसे
प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो मंत्र है इसका हम लोगों को 100 दिन जाप करना है, गिन के 100 दिन, और हर रोज उस 1000 मंत्र हम लोग जाप करेंगे। ठीक है, मंत्र क्या है, मंत्र सुनिए, मैं 3 बार मंत्र बताऊंगा। श्रीम गम सौम्याय महागणपतये वरा वरादा सर्व जनम मे वशम अनाया स्वाहा। ठीक है, श्रीम गम सौम्याय महागणपतये वरा वरादा सर्व जनम मे वसम अनाया स्वाहा। तो ये क्या है, श्रीम गम से शुरुआत है इस मंत्र का, कि हे वर देने वाले देवता, श्रीम गम स्वाहा, जो सब कुछ को मेरे वश में कर दे हे महागणपति। ठीक है, तो ये है इस मंत्र का पूर्ण अर्थ। मंत्र एक बार फिर सुनिए, श्रीम गम, श्रीम मतलब लक्ष्मी, गम मतलब गणपति, सौम्याय महागणपतये वर वरदा सर्व सर्वजनम मे वसम अन्या स्वाहा। ठीक है, इसके बाद इस मंत्र का मतलब आप 1000 जाप हर रोज 100 दिन तक करोगे। 100 दिन के करने के बाद 1000 नारियल से, कितना, 1000 नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है जिसका टीक निकला होता है, मतलब डाब नारियल नहीं, जो समुद्र के किनारे मिलता है वो नहीं, जो पूजा में चढ़ता है वो नारियल 1000। ठीक है, जब आप उस टीक के साथ हवन करते हो इस मंत्र से 4000 कोकोनट का, तो आपको धन पुत्र मित्र और स्त्री का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, और जब इसका आप मार्जन कर लेते हो 40 दिन तक रेगुलर दशांश मार्जन इसका करोगे, तो आप जितना भी धन चाहते हो, जितने धन की आपको कामना है, वो सारा धन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक बहुत शानदार और छोटा सा प्रयोग है जिससे लक्ष्मी की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। ये प्रयोग कई साधकों ने कर रखा है और सबको लाभ हुआ है। आप लोग भी इस मंत्र को प्रयोग करें, क्योंकि घर में आप प्रयोग कर सकते हैं, और जिनको धन की बहुत कमी हो रही है ऐसे साधक इस साधना को जरूर करें, सबको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें साधना के पहले का विधान, आसन बंधन और जो भी भैरव की साधना है वो हम सिखाते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए, किसी समस्या के लिए, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से। उसमें आप रुद्रनाथ @CM4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का विधान व्हाट्सएप के थ्रू भी है, और www.aghortantra.xyz या www.aghortantra.com पर भी मिलेगा। गणपति आप लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण करे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।